हेलो अध्यापक साथियों, सारे सत श्रीकाल जी। एक मुश्किल आ रही है जी बड़ी। बहुत सारे अध्यापकों का फोन भी आया से मैनू, और ये सी कि नितिन सर ने साड़े को डिमांड की है कि जोड़ी शीट है एक्सल शीट जी है उत्ते बना के जड़ा है वो सेंड करना है प्रोफॉर्मा, वो मुश्किल आ रही है। तो मैं तो सलूशन कढ़िया थोड़ा जहा घर ही कि संडे होने करके जड़ा वै कैफे वगैरह कई बार नहीं भी खुले सू मिलते, तो यदि मुश्किल वास्ते मैं वीडियो थ्रू तुम दसने की कोशिश कर रहा। जल्दी जल्दी दसा तुम्हें क्योंकि टाइम थोड़ा सारे ने सेंड करनी है। अध्यापक साथियों, सब तो पहला जो सर ने सूँ भेजा है ना एक्सल शीट का, दो शीटा भेजी हुई हैं कट्ठिया, ओपन करके प्रेस करके तुम ओपन करो। यह देखो मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ये तुम दसदा बाद च मैं कि सॉफ्टवेयर है, तुम पहले उन्होंने समझ लो चंगी तरह। जिन्ना हो सके मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करा जी, जिन्ना क मैं सही कर सकियां, ठीक है। तुसीं बेहतर ढंग नाल होर वधिया कर सकते जी। यह देखो इस तरह की शीट जो खोलनी है, ये थले देखो दो शीटा आनी, एक शीट वन लिखी हुई है और एक साइड पर जो कंप्यूटर का निशान जो आ रहा, तो साइड पर तुम प्लस का निशान आ रहा, इसको किसी नहीं छेड़ना। शीट नंबर वन टच करना है, ठीक है जी। टच करोगे तो शीट नंबर वन ही खुलेगी, अगर तुम कंप्यूटर टच करोगे तो खुलेगी खैर वो भी, लेकिन जो तुम राइट करोगे राइट करने वास्ते जो है तुम्हें वो शीट वन पर ही जाना पेगा। तो तुम घबरा नहीं, कुछ नहीं करने की लोड़। तुम देखो कॉलम नंबर वन है जिथे मेरा करसर घूम रहा है, ये सत्त नंबर कॉलम है और सत्त नंबर ही रो है, तो सत्त नंबर रो दे सॉरी 12 नंबर रो है तो सत्त नंबर कॉलम है, तो ये जो है एक नंबर पर टच करना है। देखो अजे एक तो नहीं हो सत्त हो, दो नंबर जोड़ा है उत्ते टच करना है। थोड़ा मैं जूम कर लेना, यह देखो एक नंबर पर मैं टच करता इतने। हूँ देखो अगर उपर लिखा है ना एफ एक्स के उपर जाके क्लिक करोगे तो तुम बस इतने भर देना। मान लो मेरी सिन्योरिटी नंबर है, मैं मान लो 527 कोई मेरी सिन्योरिटी नंबर है एनीबॉडी ए बी सी डी, तो मैं मान लो यह मेरा सिन्योरिटी नंबर है 111, ठीक है, तो मैं ओके कर दाँ। तो यह देखो भरया गया, क्योंकि बहुत सारे एक्सल शीट जीडिया ने डाउनलोड की हुई हैं फोन के, फोन के ही सॉफ्टवेयर बनया है पहले, हर फोन के बनया है, उस टाइप नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ही इतने आ रही है। तो आह वेखो हूँ मैं टाइप कर दिता, इस तरह तुम बी कॉलम से जाओगे, बी कॉलम के उपर वेखो की है, जिस तरह तुम बी कॉलम के उपर देख रहे हो कि स्टाफ लॉगिन आई डी है, ठीक है ना। स्टाफ लॉगिन आई डी जो भरोगे वेखो, फिर मैं टच करता उपर एफ एक्स आ गया, एफ एक्स के उपर टच करना, एफ एक्स बिल्कुल सामने हो गए। ये फिर तुम अपना कोई भी जो लॉगिन आई डी है 9 नंबर का जो ई पंजाब पोर्टल से आप जाके प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने भर के आप फिर ओके करा, देखो इस तरह ही आ जाएगा। इस तरह ही दो अध्यापक साथियों सारे कॉलम जोड़े जिन्हें भी कॉलम है उपर लिखे हुए हैं, जिन्हें भी कॉलम सानू रिक्वायर्ड है ये सारे कॉलम भरते जाना तुम्हें, क्योंकि 10 मिनट लगते जिन्होंने भरनते, क्योंकि कॉलम 43-44 कॉलम बन जाते हैं, और ये कॉलम भरते भरते जो असं इतना आवेंगे फिल हो जाएगा। फिल हो जाने तो बाद जो असं की करना, इनू उपर देखो बटन बनया है सेव का, यह देखो उपर लिखा है ना जे बी टी सिक्योरिटी अमृतसर टू रीड ओनली, फिर पेंसिल का निशान तो ए का निशान बनया, फिर सर्च का निशान बनया, फिर उस तो बाद सेव का निशान बनया। जो इतने ही क्लिक करेंगे तो यह देखो सेव की ऑप्शन आ जाती, तुम्हें डिवाइस से जाके सेव कर लेना, तो ख्याल रखना कि सेव कितने किया, ठीक है, जहाँ प्लेस ऐड कर लेनी है, तुम्हें डिवाइस से ही सेव करना, क्योंकि उतों ही तुम्हें गाड़ी सेंड करना, फिर ईमेल करनी है। सो डिवाइस उत्ते जाके मैं किसी भी स्टोरेज पर कर लव, डॉक्यूमेंट पर कर लव, उत्थे जाके मैं सेव कर लेना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट पर सेव करेंगा तो आसानी से लग जाएगा। हूँ इतों तक तो हो गया, ठीक है जी। उस तो अगे सपोज करो मैं बैक जा रहा, और यह देखो तुम इस तो अगे मैं जी सेव की सी फाइल, वो मैं फाइल मैनेजर के उपर डॉक्यूमेंट जाके खोलदा, ठीक है। मेरा वैसे उपर ही आ गया, क्योंकि मैं सेव की तो उपर ही शो हो रहा है कि डॉक्यूमेंट उपर ही आ गया, वैसे मैं डॉक्यूमेंट पर जाके शो कर सकता अगर मैं नवे प्रोजेक्ट नहीं मेरे क्लिक नहीं किए, जो देखो मैं स्क्रीनशॉट ले जा क्लिक किए तो सामने आ गया, लेकिन जोड़ा उपर डॉक्यूमेंट्स है इनू तुम खोल सकते हो, और एक्सल शीट जी है उन्होंने खोल सकते जी। उपर ही मेरा वैसे आ गया एक्सल शीट जी मैं बनाई है, इनू मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, थले सेंड का ऑप्शन आ गया देखो, तो मैं इनू जोड़ा है सेंड जोड़ा है कर सकता वा। देखो मैं सेंड किया, और ऑप्शन मांग रहा कितने करना, तुम मेल पर करना कितने करना, ठीक है, तो मेल पर जाके जी मेल पर जाके जो तुम क्लिक करा, ठीक है, यह साढ़े को आ गया टोटल अपने आप ही जोड़ा है वो कंपोज होकर आ गया एक्सल शीट। और इस तो बाद जोड़ा है इतने सर का आप जो मेल सर ने दी है नागपाल नितिन, तुम चैक कर लेना, शायद मैं हूँ गलत भी बोल रहा वहाँ पर काली काली बना रहा, मैं याद ही भुल गया। सो वो तुम जो है मेल जी सर ने दी हुई है उस मेल में इतने टाइप करना है, और बस कुछ नहीं करना, क्योंकि एक्सल शीट ताकि पहले ही इतने आ गई है। सो इतों जाके उपर बटन बनया एरो का, इतने जाके तुम इतने क्लिक कर देना, इस तरह क्लिक करोगे
ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੈਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਪ 'ਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 70 MB ਦੀ ਇਹ ਐਪ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।